Thank you, she's a big mountain. पैरों में छाले हैं, हाथ में तिरंगा, दिल में जोश और सरकार से नौकरी की आस। 45 डिग्री की गर्मी में नागपुर से 50 से ज्यादा युवा दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। दरअसल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती होने के लिए एसएससी जीडी 2018 की परीक्षा पास कर चुके हजारों उम्मीदवार पैदल ही नागपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल में करीब 5000 पदों पर भर्ती नहीं किए जाने से ये उम्मीदवार नाराज हैं और पैदल चलते चलते नागपुर से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तक आ गए हैं। इसमें शामिल 50 युवक और 6 महिला उम्मीदवारों का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया में पास है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। आपको बता दें कि 2018 में अर्ध सैनिक बलों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 60,210 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिस पर सिर्फ 55,913 उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी गई है। इस भर्ती परीक्षा के नतीजे 2019 में जारी किए गए थे। 2020 में उम्मीदवारों का मेडिकल भी हुआ, लेकिन करीब 5,000 उम्मीदवार जो मेडिकल में फिट थे उन्हें भी नियुक्ति नहीं मिली। नौकरी की मांग करते हुए इन उम्मीदवारों ने पहले दिल्ली में धरना दिया, फिर नागपुर में आमरण अनशन पर बैठ गए और अब दिल्ली जाकर विरोध करना चाहते हैं। इन उम्मीदवारों ने एक खास तरह की टी शर्ट पहन रखी है जिस पर लिखा है वर्दी दो या अर्थी दो। सरकार के लिए सिर्फ नाराज युवा ही मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और इन बेरोजगार युवाओं की आवाज बने हुए हैं। वरुण गांधी लगातार सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। वरुण गांधी के ये ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। वरुण गांधी की देखा देखी हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने बीजेपी सांसद की तारीफ भी कर दी। सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में 9,10,000 नौकरियां हैं। कितने हैं? 9,10,153 नौकरियां हैं। तो टोटल कितना हुआ? 60,82,130। और ये फिगर कहां से आए? ये 7 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं? ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी है पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले जब इस परीक्षा को लेकर संसद में भी कई बार मामला उठा तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि एसएससी की कांस्टेबल जीडी परीक्षा में बाकी रह गई भर्तियों को अगले साल होने वाली 25,272 भर्तियों में समाहित कर दिया गया है, जिसकी अधिसूचना जारी कर परीक्षा करा ली गई है। उधर अभ्यर्थी इसे अन्याय बता रहे हैं और फैसले पर पुनर्विचार की मांग भी कर रहे हैं। करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए ये जिद पर अड़े हैं और इस लंबे सफर के लिए इनका हौसला टूटा नहीं है। वहीं अब ये मुद्दा सरकार के गले की फांस बना हुआ है। बीजेपी के कुछ समर्थक तो इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही सरकार इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के भी निशाने पर है।